अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंप्लीट विद प्रैक्टिस हम कवर कर चुके। आई होप आप लोगों ने भी कवर कर लिया है विद प्रैक्टिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन करंट एसेट का एरिया स्टार्ट किया। नॉन करंट एसेट को कैसे वेरीफाई करना है, मेनली असर्शंस वेरीफाई करनी है। वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट थ्रू इनवाइसिस हमने देखनी है, डेप्रिसिएशन थ्रू रिकैलकुलेशन देखनी है। कंप्लीटनेस के लिए हमने रिकनसाइल करना है एसेट कॉस्ट अकाउंट को विद एसेट रजिस्टर। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए हमने इंस्पेक्ट करना है टाइटल डीज, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट या इनवाइसिस को। एग्जिस्टेंस के लिए फिजिकल इंस्पेक्शन, ना सिर्फ एसेट उसकी कंडीशन को भी देखनी है। और हमने देखा कि हमने कंपेयर करना है करंट ईयर बैलेंस शीट विद प्रीवियस ईयर भी। प्रेजेंटेशन अंडर नॉन करंट एसेट इन बैलेंस शीट देखनी है। डिस्क्लोजर कॉस्ट अकाउंट की, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट की, और अगर कोई गेन लॉस सिग्निफिकेंट है तो वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए। फिर हमने देखा कि हम क्या करते हैं नॉन करंट एसेट्स पर जब भी काम करते हैं तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए कुछ काम करते हैं, एडिशन को वेरीफाई करने के लिए कुछ काम करते हैं, डिस्पोजल को वेरीफाई करने के लिए कुछ काम करते हैं, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से कुछ काम करते हैं। तो हमने ऑडिट प्रोसीजर भी इन हेड के अंदर सेपरेट पढ़ लिया। आज चलते हैं, देखते हैं नॉन करंट एसेट्स के ऊपर पास्ट पेपर में हमें क्या क्या अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। तो प्रैक्टिस आज करके इस एरिया को भी हम वाइंड अप करेंगे। सो नॉन करंट एसेट की अगर हम बात करें पास्ट पेपर में, तो लास्ट टाइम जो है वो एग्जामिनर ने ये टेस्ट किया स्प्रिंग 2019 में 11 मार्च के लिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 11 मार्च के लिए क्या टेस्ट किया उसने स्प्रिंग 29 में। सो क्या करता है जी, करना क्या आपको, क्रिटिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम। ऊपर कोई ऑडिट प्रोग्राम दिया गया है उसे आपने क्रिटिकली रिव्यू करना है, एंड सजेस्ट चेंजेस आर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एज मे बी नेसेसरी। ऑडिट प्रोग्राम मीन ऑडिटर का काम जो है वो ऊपर बताया गया, जिसको आपने क्रिटिकली रिव्यू करना है। क्रिटिकली मीन इन डेप्थ आपने जाते हुए रिव्यू करना है और देखना है कुछ चेंजेस चाहिए तो वो आपने बतानी है उसके काम में, कोई एडिशनल प्रोसीजर चाहिए तो वो भी बताने हैं। एज्यूम दैट द एसेट्स आर कैरिड एट कॉस्ट, नो डिस्पोजल वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड नो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। ईयर में कोई डिस्पोजल नहीं हुई और कोई इम्पेयरमेंट भी नहीं है। सो 11 मार्च के लिए हमने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स इनको सेपरेट डील करना है। सो यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वाइल रिव्यूइंग द ऑडिट वर्किंग पेपर ऑफ अ क्लाइंट यू केम अक्रॉस द फॉलोइंग ऑडिट प्रोग्राम ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या हमें कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर प्रोग्राम दिया गया है, जिसमें हमारे पास कुछ सीरियल नंबर हैं, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स दिए गए हैं और साथ कोई रिलेटेड असर्शंस भी दी गई हैं। सब ने 1, 2, 5 को बारी बारी डील करते हुए देखना है कि ये सर्शन के लिए ये जो काम किया जा रहा है ये ठीक है या नहीं है, और सर्शन किसको कैसे वेरीफाई करते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। नंबर 1, वेरीफाई रिकनसीलिएशन ऑफ लेजर बैलेंसेस विद फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। मीन एसेट लेजर बैलेंसेस को रिकनसाइल किया जा रहा है विद फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, किस लिए, कंप्लीटनेस के लिए। तो कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई होती है, ऐसी होती है एसेट कॉस्ट अकाउंट को रिकनसाइल करना है विद एसेट रजिस्टर। तो क्या ये ठीक है या गलत है, ठीक है तो क्या इसमें कोई चेंजेस, कोई एडिशनल प्रोसीजर बताने की ज़रूरत है, नो। तो नंबर 1 हम लिख के क्या लिख देंगे, नो कमेंट्स। क्या करेंगे आंसर में, यू नंबर 1 हम लिखेंगे और आगे क्या लिख देंगे, नो कमेंट्स, मीन ये ठीक है। अब चलेंगे नंबर 2 में, देखते हैं क्या बातें की जा सकती। सो नंबर 2 में वो कहता है जी, ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट शोइंग ओपनिंग बैलेंसेस, एडिशन, एक्यूरेसी, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। मीन क्या किया गया है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जो है वो लिया गया है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर लिया गया है और वहाँ से क्या चीज़ें देखी गई हैं, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जो है वो लिया गया है और ओपनिंग बैलेंसेस को देखा गया है, एडिशंस को देखा गया है, डिस्पोजल को देखा गया है, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को देखा गया है, किस लिए, एक्यूरेसी असर्शन के लिए। तो फिक्स एसेट आपने रजिस्टर तो ले लिया, आपने देख लिया ओपनिंग बैलेंसेस क्या हैं, एडिशन क्या है, डिस्पोजल क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है, फॉर एक्यूरेसी, तो क्या ये बात ठीक है,
क्या इससे एक्यूरेसी असर्शन वेरीफाई हो जाएगी कि सब कुछ एक्यूरेट है, या कुछ और भी करने की ज़रूरत थी? कुछ और करने की ज़रूरत थी शायद। क्या करने की ज़रूरत थी? शायद आपको जो है वो डेप्रिसिएशन जो है उसे मेनली रिकैलकुलेट करना चाहिए था। शायद आपको एक्यूरेसी की डेप्रिसिएशन एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है या नहीं, डेप्रिसिएशन रेट भी एक्यूरेट है या नहीं, मेथड भी एक्यूरेट है या नहीं, उसको आपको प्रायर पीरियड्स के साथ उसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करनी चाहिए थी। क्या ख्याल है? हाँ, डिशन डिस्पोजल, डिस्पोजल के ऊपर स्पेशली आपको जो है वो कोई गेन जो है वो भी देखना चाहिए था कि वो गेन जो है वो एक्यूरेटली जो है वो कैलकुलेटेड रिकॉर्डेड है या नहीं। तो ये कुछ अदर चीज़ें भी आपको करना चाहिए थी, क्यों इतने से सिर्फ एक्यूरेसी जो है वो वेरीफाई नहीं हो रही। तो डेप्रिसिएशन की आपको रिकैलकुलेशन करनी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना चाहिए था विद प्रायर पीरियड कंसिस्टेंसी भी चेक करनी चाहिए थी रेट की एक्यूरेट है या नहीं, और डिस्पोजल का गेन या लॉस भी आपको रिकम्प्यूट करके देखना चाहिए था एक्यूरेट है या नहीं। तो ये कोई जो है वो दो तीन बातें हम क्या करेंगे नंबर टू में साथ कर देंगे। उसके बाद हम नंबर थ्री पे आ जाएंगे, देखेंगे इससे रिलेटेड क्या बातें की जा सकती हैं। सो नंबर थ्री में क्या कह रहा है, वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ एडिशन टू फिक्स्ड एसेट एंड वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्राम विद द रिलेटेड इनवाइसिस, मीन एडिशन ऑफ एसेट की कॉस्ट को वेरीफाई किया गया है, कोई काम जो चल रहा था कैपिटलाइज नेचर का उसको देखा गया है, किस लिए? एक्यूरेसी असर्शन के लिए अगेन। क्या ठीक है बात कि जो चीज़ें कैपिटलाइज हुई हैं एक्सपेंडिचर वो देखे गए हैं, एडिशन देखी गई हैं? तो नहीं, कैपिटलाइज जो हुई है कॉस्ट उसे थोड़ा काम और भी करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? एक तो आपको देखना चाहिए था कंप्लीशन डेट जो है वो कौन सी है, क्यों अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होती हैं, आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन कैपिटलाइज नहीं रेवेन्यू होती हैं। दूसरा आपको क्या करना चाहिए था, इनवाइसी से जो है वो क्लासिफिकेशन भी देखनी चाहिए थी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कि कहीं रेवेन्यू नेचर तो नहीं है। क्या ख्याल है? क्या करना चाहिए था? कंप्लीशन डेट को आपको देखना चाहिए था, दूसरा आपको क्लासिफिकेशन के लिए भी इनवॉइसेस देखना चाहिए थी, नेचर क्या है, आइदर कैपिटलाइज नेचर है या फिर रेवेन्यू नेचर है। अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट ही कैपिटलाइज हो रही हैं, आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन एक्सपेंस आउट हो रही हैं, ये भी आपको इंश्योर करना चाहिए था। तो ये कुछ दो तीन बातें हम पॉइंट नंबर थ्री में कर देंगे। क्या ख्याल है? नंबर फोर क्या कहता है, फिजिकली इंस्पेक्ट द एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशन हुई है उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन की गई है, किस लिए? एग्जिस्टेंस एंड ऑनरशिप के लिए। तो क्या एग्जिस्टेंस के लिए फिजिकल इंस्पेक्शन ठीक है? यस। लेकिन क्या ऑनरशिप के लिए भी फिजिकल इंस्पेक्शन ठीक है? नो। ऑनरशिप के लिए तुम्हें क्या देखना चाहिए? टाइटल डीड्स देखने चाहिए, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, इनवॉइसिस देखना चाहिए, रादर देन जस्ट फिजिकल इंस्पेक्शन। क्या ख्याल है? साथ में क्या देखना चाहिए? कैश बुक बैंक स्टेटमेंट को भी देखना चाहिए कि इनके अगेंस्ट पेमेंट भी हुई हैं। क्या ख्याल है? क्यों? लीज वाले भी तो एसेट हो सकते हैं, तो वो फिर कंपनी के अंदर एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन ऑनरशिप कंपनी के पास नहीं है, तो इसलिए टाइटल डीज, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, इनवॉइसिस भी हमें देखनी चाहिए, साथ कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई भी करना चाहिए पेमेंट अगेंस्ट द एसेट भी। क्यों? फिजिकल इंस्पेक्शन जस्ट एग्जिस्टेंस को तो कन्फर्म करती है, ऑनरशिप को कन्फर्म नहीं करती। तो नंबर फोर में ये भी कुछ बातें की जा सकती हैं। नंबर फाइव, ऑन सैंपल बेसिस सिलेक्ट एसेट एंड चेक द डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। क्या किया हमने? सैंपल बेसिस पे एसेट को सिलेक्ट करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन चेक कर ली, किस लिए? एक्यूरेसी के लिए। क्या इतना काफ़ी है डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करने के लिए? या आपको रिकैलकुलेट भी करनी चाहिए अमाउंट यूजिंग द रेट एंड टेबल और कंपेयर करनी चाहिए विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन? आपको कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड्स भी देखनी चाहिए, आपको इंडस्ट्री एवरेज के साथ भी देखना चाहिए कि जो रेट मेथड यूज़ किया जा रहा है वो कंसिस्टेंट विद इंडस्ट्री एवरेज है या नहीं है। क्या ख्याल है? आपको शायद डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर विद प्रीवियस ईयर कंपेयर करके भी डिफरेंसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करने चाहिए। तो ये भी कोई तीन चार बातें जो हैं वो साथ करनी है, फिर जाके ये एक्यूरेसी कवर होगी। क्या ख्याल है? तो नंबर वन में नो कमेंट्स, थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव में कुछ दो दो तीन तीन चार चार बातें थी, तो मिला के ये 11 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट नेचर का क्वेश्चन था। मीन नॉलेज है तो फिर ही अटैम्प्ट हो सकता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे। चीज़ें कुछ को समझ भी आ रही थी क्या हो रहा है, लेकिन लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ये स्टूडेंट काम नहीं कर पाए।
क्यों? प्रैक्टिस नहीं थी। इसलिए प्लीज़ आप लोगों ने प्रैक्टिस करके जाना है ताकि ऐसे इश्यूज़ आपके साथ अराइज ना हो। और देखते हैं नॉन करंट एसोसिएटेड और क्या हमारे पास क्वेश्चन है। तो स्प्रिंग 18 में नॉन करंट एसोसिएटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स। करना क्या आपको, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल एंड ब्रीफली स्टेट द की ऑडिट प्रोसीजर्स टू मिटिगेट दीज रिस्क। और साथ आपने प्रोसीजर भी लिखने हैं। प्रोसीजर्स फॉर असेसिंग द कम्प्लीटनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट आर नॉट रिक्वायर्ड। मीन एक्सपर्ट से रिलेटेड कोई बातें नहीं करनी। हाँ, इस मैटर से रिलेटेड आपने रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट भी बताना है और प्रोसीजर भी लिखने हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जी, यू आर द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ अरमारा प्राइवेट लिमिटेड OPL। ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट यू हैव आइडेंटिफाइड दैट OPL हैज अडॉप्टिड द रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर बिल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कंपनी रीवैल्यूएशन कर रही है एसेट की। द वैल्यूएशन वॉज कैरिड आउट बाई एन इंडिपेंडेंट वेल एस्टैब्लिश एक्सटर्नल वैल्यूअर। और किसी एक्सटर्नल वैल्यूअर ने क्या किया है, उसकी वैल्यू लगाई है। तो पहले तो हमें रिस्क बताना है। रिस्क बताने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन जो है कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होती है। IAS 16 कहता है कि आप एसेट को कॉस्ट बेसिस पे लिखो या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पे लिखो। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे लिख रहे हो तो क्या होना चाहिए, नो सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन, मीन ऑल एसेट शुड बी रिवैल्यूड। और रिवैल्यूएशन गेन जो है वो चार्ज होने चाहिए किसको, OCI को। और रिवैल्यूएशन लॉसेस जो हैं वो चार्ज होने चाहिए किसको, PNL को। और एसेट डेप्रिसिएशन जो है वो भी होनी चाहिए ओवर रिवैल्यूड अमाउंट। क्या ख्याल है, एसेट की डेप्रिसिएशन भी ओवर रिवैल्यूड अमाउंट होनी चाहिए। तो चांसेस हो सकते हैं अगर कंपनी सिलेक्टिव वैल्यूएशन कर रही है, गेन टू OCI लॉसेस टू PNL चार्ज नहीं कर रही, या एसेट को ओवर रिवैल्यूड अमाउंट जो है वो डेप्रिशिएट नहीं कर रही, तो एसेट कुड बी मैनिपुलेटेड। क्या ख्याल है, ओवरस्टेट भी हो सकता है, अंडरस्टेट भी हो सकता है, तो एसेट कुड बी मैनिपुलेटेड। ये क्या बन गया, रिस्क बन गया। अब इसे कुछ प्रोसीजर्स लिख दें। तो प्रोसीजर में हमें क्या करना है, एक तो कंपेयर कर दो करंट ईयर बैलेंसेस विद प्रीवियस ईयर एसेट के। किसी एक्सपर्ट वैल्यू ने की है तो क्या कर लो, रिव्यू कर लो। क्या, एक्सपर्ट रिवैल्यूएशन रिपोर्ट। क्या करना है, रिव्यू करना है एक्सपर्ट रिवैल्यूएशन रिपोर्ट। किस लिए, टू इंश्योर रीजनेबल अजम्पशन यूज्ड, मीन उसने जो अजम्पशन यूज की हैं वो रीजनेबल हैं, ऐसे कोई बोंगिया नहीं उसने मार दी। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, देखना है कि वाकई सारे एसेट रिवैल्यूएशन हुए हैं तो क्या करना है, इंश्योर करना है दैट ऑल एसेट्स हैज बीन रिवैल्यूड। कैसे, बाय डिस्कशन विद मैनेजमेंट। जिसे आप मैनेजमेंट से क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि भाई बताओ क्या सारे ही रिवैल्यू हुए। इसके अलावा हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है क्या, गेन चार्ज्ड टू OCI एंड लॉसेस चार्ज्ड टू PNL। कैसे, बाय इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन करने से हमें पता चलेगा भाई कौन से गेन थे वो कहाँ पे चार्ज हुए हैं, और कौन से लॉसेस थे वो कहाँ पे चार्ज हुए हैं, टोटल कितने मार्क्स हैं, 5 नंबर हैं। तो कोई 3-4 प्रोसीजर लिख दो और रिस्क लिख दो स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिस्कस करके, तो 5 नंबर मेरे ख्याल से कवर हो जाते हैं। शायद उसने मार्क्स हमें कम दिए हैं, हम तो ज़्यादा लिखने के काबिल हैं। अच्छा आंसर दिया एंड पे, प्लीज़ एक दफ़ा रीड करके हाथ से अटैम्प्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दे दोगे तो शायद एग्जामिनर आपको पास नहीं, शायद गोल्ड मेडल उठा के दे देंगे। 3 गोल्ड मेडल है आपके कैप लेवल में, एक FAR 2 का,
एक ओवरऑल कैप लेवल का, और एक तीसरा जो अभी दो अटेम्प्ट पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ऑडिट में भी अगर आप सर्टिफिकेट लेते हो तो वो क्या होगा, गोल्ड मेडल। तो इस तरह के स्टैंडर्ड के रेफरेंस देने से गोल्ड मेडल भी हमें मिल सकता है, मुश्किल नहीं है, लिया जा सकता है। सो देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड पास पेपर में। सो नॉन करंट एसेट्स की अगर हम बात करें, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड और हमें क्या क्वेश्चन मिल सकता है, नॉन करंट एसेट। हाँ, कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा हमें तो। यस, एक क्वेश्चन हमें मिल गया, क्वेश्चन नंबर 20, फार ट्वेल्व गुड मार्क्स। करना क्या आपको, आइडेंटिफाई सिक्स स्ट्रेंथ्स इन द लैथम्स इंटरनल कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन करंट एसेट एंड एक्सप्लेन व्हाई दे मे रिड्यूस कंट्रोल रिस्क। मीन आपको कंट्रोल वीकनेसेस नहीं, कंट्रोल स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है जो कंपनी के सिस्टम में है। मीन अच्छी बातें क्या हैं, और साथ एक्सप्लेन भी करना है कि इससे कंट्रोल रिस्क कैसे रिड्यूस होगा, मीन ये स्ट्रेंथ कैसे है। 12 नंबर है तो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ आप स्ट्रेंथ लिखोगे और दूसरी तरफ उसकी इफेक्ट लिखोगे, हाउ इट रिड्यूस कंट्रोल वीकनेसेस या कंट्रोल रिस्क। सो लैथम कंपनी इज अ लार्ज इंजीनियरिंग कंपनी विद 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थ्रू आउट द कंट्री इन विच इट इज लोकेटेड। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैपिटल इंटेंसिव एंड द कंपनी होल्ड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो कंपनी कोई जो है वो इंजीनियरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग करती है। द फाइनेंस डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिटेल नॉन करंट एसेट बजट एनुअली विच इज बेस्ड ऑन अ 5-year बजट अप्रूव्ड बाय द होल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑडिट कमेटी। मीन फाइनेंस डायरेक्टर बजट बनाता है, 5 साल बजट बनता है जो ऑडिट कमेटी की कंसल्टेशन, मीन सीनियर मेंबर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक स्ट्रेंथ तो यहाँ से मिल गई कि 5-year बजट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं किस लिए, फॉर परचेजिंग कैपिटल एसेट। इससे क्या होगा कि ऑथोराइजेशन जो है वो कंपनी की प्रॉपर इंश्योर होगी फॉर परचेज ऑफ कैपिटल नेचर एसेट्स। दूसरा इसमें क्या है कि अप्रूवल कौन दे रहा है, द एनुअल बजट विच इज आल्सो अप्रूव्ड बाय द फुल बोर्ड इज हेल्ड ऑन कंप्यूटर मास्टर फाइल एंड इज अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ परचेज ऑर्डर। एक तो अप्रूवल जो है वो ऑथोराइजेशन, अप्रूवल फॉर परचेज जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वो फुल बोर्ड विद कंसल्टेशन ऑडिट कमेटी दे रहा है। इससे क्या होगा, एक तो परचेजेस जो हैं वो प्रॉपरली ऑथोराइज्ड होंगी, क्या ख्याल है, अननेसेसरी परचेजेस जो हैं उसको अवॉइड करने में भी हेल्प मिलेगी। तीसरा उसने कह दिया जी कि क्या किया जाता है, वही बजट जो है वो परचेज ऑर्डर के लिए भी हेल्प देता है। तो लाइक ये आप क्या कह दोगे कि रेक्विजिशन का काम कर रहा है बजट, और ऑर्डर जो है वो प्लेस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रेक्विजिशन। मीन ऑर्डर्स भी जो है वो प्रॉपरली अप्रूव हैं अगेंस्ट बजट ऑफ द कंपनी। दो बनाना चाहो दो भी बना सकते हो, तीन बनाना चाहो तो तीन भी बना सकते हो स्ट्रेंथ। एक 5-year का बजट, दूसरा अप्रूवल बोर्ड से, और चौथा वो एज ए ऑर्डर हेल्प भी दे रही है कि ऑर्डर ऑथोराइज हो रहे हैं प्रॉपर, जिससे अननेसेसरी ऑर्डर्स को अवॉइड करने में हेल्प मिलेगी। व्हेन द आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डिलीवर्ड टू द कंपनी अ प्री नंबर्ड गुड रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर्ड। तो प्री नंबर्ड GRN बनाया जाता है, जिसका फायदा क्या होगा, एक तो कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग में जो है वो हेल्प देगा, और दूसरा इसके अगेंस्ट जो है वो बजट रिकॉर्ड करने में भी एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। अ कॉपी ऑफ विच इज सेंट टू द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड यूज टू अपडेट द नॉन करंट एसेट बजट टू रिफ्लेक्ट द मोमेंट। द इक्विपमेंट इज केयरफुली इंस्पेक्टेड बाई प्रोडक्शन पर्सनल एंड टेस्टेड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। तो ऑन रिसीविंग क्वालिटी चेक परफॉर्म किया जा रहा है, प्रॉपर इंस्पेक्शन की जा रही है, तो इससे क्या होगा, डिफेक्टिव एसेट्स जो हैं वो कंपनी में एंटर होने से अवॉइड किए जा सकते हैं, जिसे फ्यूचर लॉसेज अवॉइड होंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शायद कंपनी की अवॉइड होगी। An operational certificate is prepared by the production department and this is used by accounting department together with the GRN to check against the purchase invoice when it is received. Yes, invoice जो है उसको match किया जाता है किसके साथ, GRN के साथ, और साथ किसके साथ, जो asset की entry की गई है system में उसके साथ।
जिसका फ़ायदा क्या होगा कि इंश्योर होगा इन्वाइसिस आर रेज्ड अगेंस्ट गुड्स रिसीव, गुड्स मीन एसेट रिसीव्ड। क्या ख्याल है, जेन्युइन इन्वाइसिस जो हैं वो चेक की जाएंगी। एट द टाइम एज द परचेज इन्वाइस एंटर द परचेजिंग सिस्टम अ कंप्यूटराइज्ड नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज अपडेटेड एंड एक्सेस टू द नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सनल इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो एक तो एसेट रजिस्टर में एंट्री की जाती है जिससे कंप्लीटनेस ऑफ एसेट रिकॉर्डिंग जो है वो इंश्योर होगी, और दूसरा जो है वो एसेट रजिस्टर की एक्सेस जो है वो ऑथोराइज पर्सनल को है जिससे फ्रॉड या मिस यूज ऑफ एसेट अवॉइड किया जा सकता है। ऑन अ रोलिंग बेसिस थ्रू आउट द ईयर द नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज कंपेयर टू प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन साइट बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पर्सनल यूजिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर इन द रजिस्टर एंड परमानेंटली मार्क्ड ऑन टू ईच आइटम इन द फैक्ट्री। कि रोलिंग बेसिस पे क्या किया जाता है, एसेट को मैच किया जाता है किसके साथ, एसेट रजिस्टर के साथ, जिससे इंश्योर होगी एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट भी और इससे इंश्योर होगी कंप्लीटनेस ऑफ द एसेट भी। तो ये भी एक स्ट्रेंथ है। तो क्या स्ट्रेंथ है, एक तो 5 ईयर बजट के अकॉर्डिंगली प्लानिंग की जा रही है, दूसरा टॉप मैनेजमेंट मिल के अप्रूवल दे रही है, तीसरा प्री नंबर्ड GRN प्रिपेयर किया जा रहा है, चौथा इंस्पेक्शन हो रही है बाय रिसीविंग द एसेट, पांचवा इनवाइस को GRN के साथ मैच किया जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है सिस्टम तक एक्सेस जो है रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल को अलाउ है, और रेगुलर बेसिस पे एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस भी इंश्योर की जाती है एसेट की मैच करके एसेट रजिस्टर के साथ। तो 6 स्ट्रेंथ और 7 उनके कैसे ये स्ट्रेंथ हैं एक्सप्लेन किया जा सकता है, 12 गुड मार्क्स। क्या ख्याल है, प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से अटेम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम चलें देखें इससे रिलेटेड, इस एरिया से रिलेटेड, नॉन करंट एसेट रिलेटेड, यस एक और क्वेश्चन हमें मिला, क्वेश्चन 23, जो सेल प्लस नॉन करंट एसेट्स दोनों से रिलेटेड है, 5+5 मार्क्स के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए वो कहता है जी, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द ऑडिट टेस्ट यू शुड परफॉर्म टू चेक द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सेल फिगर इन TT's फाइनेंशियल स्टेटमेंट। TT's की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल की फिगर की एक्यूरेसी कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए आप क्या टेस्ट परफॉर्म करोगे, टेस्ट मीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, और साथ आपने पर्पस भी लिखना है, रीज़न भी लिखनी है। तो सिनेरियो रीड करते हैं, अगर उसके अंदर से कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं तो उनकी कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस मिलता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर कंप्लीटनेस के लिए लिखे जा सकते हैं। क्या ख्याल है, कितने, जस्ट 5 मार्क्स के लिए। हाँ देखते हैं, यू आर द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ट्रेसी ट्रांसपोर्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी TT। The company year end is 31st March. You have been the auditor since the company was formed 24 years ago to take advantage of the inquiries in goods being transported by road. Many companies need to transport their product but didn't always have a sufficient vehicle to move them. TT therefore purchased 10 vehicles and hired these to haulage companies for amounts of time ranging from 3 days to 6 months. So, 3 से 6 months के अंदर जो है वो movement होती है inventory की. Okay, करती क्या company? Transport का business करती है. The business has grown in size and profitability, has now over 550 vehicles on hire to many different companies. 550 व्हीकल्स हैं जो कंपनी ने डिफरेंट कंपनीज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हायर की हुई हैं, मीन रेंट आउट की हुई हैं। एट एनी वन टाइम बिटवीन 5 and 20 व्हीकल्स आर लोकेटेड एट द कंपनीज प्रीमिसेस वेयर दे आर बीइंग रिपेयर्ड। कोई 5 to 20 व्हीकल्स कंपनी के अंदर ऑल द टाइम रिपेयर के लिए अवेलेबल भी होती हैं। द रेस्ट कुड बी एनी वेयर ऑन द एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क ऑफ द कंट्री इट ऑपरेट्स इन। फुल डिटेल ऑफ ऑल व्हीकल्स आर मेंटेन्ड इन अ नॉन करंट एसेट रजिस्टर। और फुल डिटेल कहाँ पे है, नॉन करंट एसेट रजिस्टर के अंदर। बुकिंग्स फॉर हायर ऑफ व्हीकल्स आर रिसीव्ड आइदर ओवर टेलीफोन आर वाया ईमेल इन TT's ऑफिस। बुकिंग कहाँ पे आती हैं, टेलीफोन के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। अ बुकिंग क्लर्क चेक द कस्टमर्स क्रेडिट स्टेटस ऑन द रिसीवेबल लेजर
एंड देन द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल यूजिंग द व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन टीटीज कंप्यूटर नेटवर्क। जब भी ऑर्डर आता है बुकिंग का तो क्या किया जाता है, कस्टमर का क्रेडिट स्टेटस में क्रेडिटवर्थीनेस चेक की जाती है, कहाँ से, रिसीवेबल लेजर से, और साथ स्टॉक अवेलेबिलिटी भी चेक की जाती है, कहाँ से, व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम से। तो दो टेस्ट ऑफ कंट्रोल यहीं पे बनाए जा सकते हैं क्या, क्या एविडेंस विल बी सॉर्ट, एविडेंस विल बी सॉर्ट बाय इंक्वायरी या बाय इंस्पेक्शन भी हो सकता है, दैट क्रेडिट चेक्स आर परफॉर्म्ड फॉर कस्टमर वाइल बुकिंग। क्या ख्याल है, सात पर्पज लिख दो, दिस इज टू इंश्योर स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक्स आर प्रॉपरली परफॉर्म्ड, और सॉरी, दिस इज टू इंश्योर गुड्स आर सोल्ड टू क्रेडिट वर्थी कस्टमर्स ओनली। स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक भी ये लगाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एविडेंस विल बी सॉर्ट बाय कंपेयरिंग क्या बुकिंग फॉर्म विद व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम टू वेरीफाई स्टॉक अवेलेबल, किस लिए, दिस इज टू इंश्योर बुकिंग्स हैज रिसीव्ड अगेंस्ट स्टॉक अवेलेबल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं हम लिख रहे हैं, एक किसका, क्रेडिट वर्थीनेस का, और दूसरा स्टॉक अवेलेबिलिटी का। ईमेल आर फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय कस्टमर नेम इन द ईमेल प्रोग्राम यूज्ड बाय टीटी, तो ईमेल जो है वो रिकॉर्ड में रखी जाती हैं कस्टमर नेम के साथ, कहाँ पे, प्रोग्राम यूज्ड बाय टीटी में। तो क्या करेंगे हम, इसका भी कोई कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया जा सकता है, क्या करेंगे, एविडेंस विल बी सॉर्ट बाय कंपेयरिंग बुकिंग फॉर्म ऑफ कस्टमर, क्या ख्याल है, विद ईमेल प्रोग्राम यूज्ड बाय टीटी टू वेरीफाई ईमेल्स आर कंप्लीटली रिकॉर्डेड, दिस इज टू इंश्योर ऑल बुकिंग हैव बीन कंप्लीटली रिकॉर्डेड इन टू द सिस्टम। इफ द कस्टमर्स क्रेडिट रेटिंग इज एक्सेप्टेबल एंड अ व्हीकल इज अवेलेबल, द बुकिंग इज एंटर्ड इन टू द VMS एंड कन्फर्म टू द कस्टमर यूजिंग द टेलीफोन आर ईमेल, तो बुकिंग कस्टमर को टेलीफोन या ईमेल के थ्रू कन्फर्म भी की जाती है, तो क्या करेंगे, एविडेंस विल बी सॉर्ट बाय कंपेयरिंग कस्टमर बुकिंग विद देयर बुकिंग कन्फर्मेशन, क्या ख्याल है, दिस इज टू इंश्योर ऑल बुकिंग्स आर कन्फर्म टू द कस्टमर। बुकिंग इन्फॉर्मेशन इज देन ट्रांसफर्ड विद इन द नेटवर्क फ्रॉम द VMS टू द रिसीवेबल लेजर प्रोग्राम वेयर आ सेल्स इनवाइस इज रेज्ड, और उसके बाद सेल इनवाइस जो है वो रेज की जाती है, एंड स्टैंडर्ड रेंटल अमाउंट्स आर एलोकेटेड टू ईच बुकिंग डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द टाइम एंड व्हीकल इज बींग हायर्ड फॉर, और एक स्टैंडर्ड रेंटल के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो इनवाइस जनरेट की जाती है, हार्ड कॉपी इनवाइसिस आर सेंट इन द पोस्ट फॉर टेलीफोन ऑर्डर आर वाया ईमेल फॉर ईमेल ऑर्डर्स, जो ईमेल ऑर्डर हैं उनकी आप ईमेल के थ्रू इनवाइसिस सेंड करते हो, और जो टेलीफोन ऑर्डर हैं उनकी आप हार्ड कॉपी कस्टमर को सेंड करते हो। एविडेंस विल बी सॉर्ट बाय इंस्पेक्शन दैट हार्ड कॉपी ऑफ इनवाइसिस सेंट टू ऑर्डर थ्रू टेलीफोन एंड ईमेल इनवाइस सेंड टू ऑर्डर थ्रू ईमेल, क्या ख्याल है, दिस इज टू इंश्योर इनवाइसिस आर एप्रोप्रिएटली सेंड टू द कस्टमर्स। द मेन क्लास ऑफ एसेट ऑफ TT's बैलेंस शीट इज द व्हीकल, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द व्हीकल इज 6 million आउट ऑफ टोटल शेयर होल्डर फंड ऑफ 15 million एट दिस डेट। तो मेनली हमने क्या करना है, 5 टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही लिख दिए, एक कस्टमर क्रेडिट वर्थीनेस का, एक स्टॉक अवेलेबिलिटी का, दूसरा हमने जो है वो सिस्टम के अंदर ईमेल को चेक कर लिया कि रिकॉर्ड हो रही हैं, चौथा हमने देख लिया कि बुकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो VMS प्रोग्राम के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, इनवाइसिस हमने देख ली, और हमने देख लिया कि हार्ड कॉपी सेंड हो रही है उधर, और ईमेल सेंड हो रही है ईमेल कस्टमर को। तो 5 यही टेस्ट ऑफ कंट्रोल, 7 पर्पज़ लिखे जा सकते हैं जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, क्या ख्याल है, या आप इनवाइसिस की एक्यूरेसी के लिए ये भी लिख सकते हो, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ इनवाइसिस एंड टेस्ट फॉर एविडेंस दैट अर्थमैटिक चेक परफॉर्म ऑन द इनवाइसिस, दिस इज टू इंश्योर इनवाइसिस आर एक्यूरेटली रेस्ड।
ये भी एक बात की जा सकती है, क्या ख्याल है? या कंप्लीटनेस के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर को मैच कर सकते हो किसके साथ, इनवॉइसिस के साथ भी, क्या इंश्योर करने के लिए कि ऑल ऑर्डर्स हैव कन्वर्टेड इनटू इनवॉइसिस। या कंप्लीटनेस के लिए आप ट्रेस कर सकते हो इनवॉइसिस का सैंपल टू रिसीवेबल लेजर बैलेंसेस, कस्टमर लेजर बैलेंसेस, दिस इज टू इंश्योर ऑल इनवॉइसिस हैव बीन कंप्लीटली रिकॉर्डेड इनटू लेजर्स भी। मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कंप्लीटनेस के इसमें दो तीन फिट किए जा सकते हैं, कुछ दो तीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख लें और एक दो सब्सटेंटिव प्रोसीजर मिला के 5 नंबर मिल जाएंगे, क्या ख्याल है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, प्लीज़ एक दफा हाथ से अटेम्प्ट जरूर करना है ये। पार्ट बी क्या कहता है, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द ऑडिट वर्क यू शुड परफॉर्म ऑन द बैलेंस शीट फिगर फॉर व्हीकल इन द टीटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। व्हीकल्स जो कंपनी के पास हैं एसेट्स, उसको वेरीफाई करने का आपने क्या लिखना है, ऑडिट वर्क लिखना है। तो ऑन जनरल ऑडिट वर्क लिखना है तो पहले आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो करंट ईयर बैलेंसेज विद प्रीवियस ईयर टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेज एज वेल एज आइडेंटिफाई एनी अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन। उसके बाद आप आ जाओ किस चीज़ में, वैल्यूएशन के लिए तो कॉस्ट वेरीफाई कर लो थ्रू बाय इंस्पेक्शन और परचेज इनवॉइसिस। डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट कर लो और कंपेयर कर लो विद प्रायर पीरियड्स। कंप्लीटनेस के लिए कंपेयर कर लो एसेट कॉस्ट अकाउंट को विद एसेट रजिस्टर। ऑनरशिप के लिए आप रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट इनवॉइसिस को इंस्पेक्ट कर लो। और एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, फिजिकल इंस्पेक्शन कर लेंगे एसेट की, कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो मेनली ये असर्शन को वेरीफाई करने के प्रोसीजर आप 6 लिख दो और एक आप ओपनिंग बैलेंसिस को वेरीफाई कर लो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने का एक एनालिटिकल प्रोसीजर लिख दो, क्या ख्याल है? पार्ट भी इजी है, रटा, लेकिन पार्ट ही थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? सिर्फ कंप्लीटनेस ही नहीं, आपने चेक करनी ऑडिट टेस्ट उसने कहा है, दिस मीन कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक्यूरेसी के लिए भी आपको परफॉर्म करना होंगे। चले आगे, ओके। सो एक और क्वेश्चन हमें मिलेगा, नहीं और हमें क्वेश्चन इस एरिया से रिलेटेड नहीं मिले, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, चैप्टर 7 में नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये कुछ शायद 4 क्वेश्चन आज हमने कवर किए हैं, तो आप इनको एक दफ़ा हाथ से अटेम्प्ट कर लोगे। क्यों इनको हाथ से अटेम्प्ट करेंगे, तो साथ साथ हमारी प्रैक्टिस चलती जाएगी और साथ साथ चीज़ें प्रिपेयर होती चली जाएंगी। नॉन करंट एसेट्स लास्ट में उसने कब टेस्ट किया है, स्प्रिंग 19 में, मीन 2 अटेम्प्ट पहले उसने टेस्ट किया है। प्रीवियस अटेम्प्ट में उसने चैप्टर 7 टेस्ट नहीं किया, स्प्रिंग 19 में उसने सेल्स सिस्टम टेस्ट किया, बस ऑटम 19 में, स्प्रिंग 19 में उसने क्या नॉन करंट एसेट टेस्ट किया, उसके पीछे ऑटम 18 में भी उसने सेल्स और नॉन करंट एसेट टेस्ट किया था। दिस मीन्स सेल नॉन करंट एसेट्स इनके तो अभी करंट अटेम्प्ट में इतने चांसेस नहीं हैं, लेकिन आई कैप समटाइम चीज़ें रिपीट भी करता है, इसलिए 3-3, 4-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये ना सिर्फ हमें नॉन करंट एसेट, कुछ अदर एरिया से रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर कवर करने में हेल्प देगा। सो आज के लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ यहीं पर। आप प्लीज़ ये 4 क्वेश्चन को अगर एक दफ़ा हाथ से प्रैक्टिस कर लें तो हमारा नॉन करंट एसेट का एरिया भी कंप्लीट हो गया। अब पीछे हमने क्या कवर कर लिया, अभी तक चैप्टर 7 में सेल सिस्टम कवर कर लिया, परचेज सिस्टम कवर कर लिया, पेरोल कवर कर लिया, इन्वेंट्री कवर कर लिया, नॉन करंट एसेट्स 5 एरिया हमने कर लिए। पीछे एक एरिया छोटा सा और रह गया है, कैश एट बैंक। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन कवर करके ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कमिंग अटैम्प्ट के लिए, क्यों पिछली अटैम्प्ट में उसने इग्नोर मारा है। चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यही वो चैप्टर हैं जहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स गेन करके पेपर पास कर लेता है या फिर मार्क्स लूज करके पेपर फेल कर जाता है, इसलिए इनकी लर्निंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इनफैक्ट बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन हमें कवर करना है क्यों, हमें पेपर इसी अटैम्प्ट में पास करना है। इसी अटैम्प्ट में पास करने के लिए चीज़ें हमें साथ साथ कवर करनी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए एरियाज़ के साथ।